अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि वॉइस क्लियर है और स्क्रीन विजिबल है। चैट चैट पे टाइप करके बताइए, दिखाई दे रहा है आपको स्क्रीन में? स्क्रीन विजिबल है? ठीक, शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، हम लोग शुरू करते हैं आज का क्लास, लेक्चर नंबर 22, लेसन 5 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें मुदाफ इलैह इम्पॉर्टेंट टॉपिक था। और हम लोग लेक्चर 6 इंशाल्लाह स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, आज लेट हो गया, तरावी की नमाज लेट से ख़त्म हुई, इसकी वजह से। तो लेक्चर 22 यानी कि लेसन 6 हम लोग इसमें करने वाले हैं। लेसन 6 में एक अहम कायदा, बहुत लेसन 6 में दो तीन कवायद है, रूल्स है नया। ठीक है, ख़ास करके मुअन्नस के ताल्लुक से फेमिनिन नाउंस उसमें आ रहा है। ठीक है, फेमिनिन स्पेसिफिक रूल्स है उसमें, तो हम लोग इंशाल्लाह कर देखेंगे। उसमें से एक अहम कायदा जो आज हम लोग उसको कवर करेंगे, ठीक है, जो अक्सर लोगों को पता ही होगा पहले से, हम लोग तो सिंपल रहेगा क्लास इंशाल्लाह। तो हम लोग शुरू करते हैं आज का क्लास। तो सबसे पहले एक मिनट, तो कोई भी नाम है, जैसे ले लीजिए कोई भी एक नाम है, नाउन है, लेते हैं मुदर्रिस। ठीक है, मुदर्रिसुन टीचर। ठीक है, तो ये मुदर्रिसुन अरबी का एक इस्म है। ये क्या है? इस्म है। ठीक है ना, मुदर्रिस इस्म है, फेल तो नहीं है, हर्फ भी नहीं है, तनवीन पेंड हो रहा, तनवीन पहचान है, ये इस्म है। ठीक है, और ये इस्म के साथ साथ ये कैसा इस्म है? ये मुजक्कर है। ये कैसा इस्म है? मुजक्कर है, इसमें मुजक्कर मैस्कुलिन नाउन है। तो इससे उसका ट्रांसलेशन क्या होगा? टीचर, या कह सकते हैं मेल टीचर। ठीक है, मेल टीचर, मुदर्रिस उस्ताद, उस्तानी नहीं, उस्ताद। ठीक है ना, ये मुदर्रिस हुआ, मेल टीचर। लेकिन आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कि ये जो लफ्ज़ है मुदर्रिस, इसको क्या करना है, हम लोग को चेंज करना है फेमिनिन में, मुअन्नस में, जो कि सिंपल है, जो अक्सर लोगों को ये चीज़ मालूम होनी चाहिए। तो मुदर्रिस से चेंज करना है, इसको मुअन्नस बनाना है। ठीक, तो ये कैसे बनाते हैं हम लोग? मुदर्रिस के साथ कौन सा ऐड करते हैं वर्ड, जो ये मुदर्रिस जो है ये चेंज हो जाएगा। क्या ऐड करेंगे इसके इसके बाद में बताइए, कौन सा हर्फ ऐड करेंगे, कौन सा हर्फ ऐड करेंगे जिससे ये लफ्ज़ फीमेल हो जाएगा, फेमिनिन हो जाएगा। एक गोलता ऐड करेंगे। ठीक, बहुत अच्छा, गोलता, ये राउंडता, गोलता, ता मरबूता जिसको कहते हैं अरबी में, ता मरबूता। तो ये ऐड करने से ये मुदर्रिस लफ्ज़ जो है ये हो जाएगा फीमेल, फेमिनिन हो जाएगा। तो कैसे ये होगा? जैसे ये गोलता आएगा तो सबसे पहले चेंज क्या होगा, ये मुदर्रिस के ऊपर में तनवीन था ना, मुदर्रिसुन ऐसे था, तो ये गोलता आने के बाद में समझ लीजिए, ये गोलता यहाँ पर ऐसे अटैच, ऐसे अटैच तो होता नहीं, लेकिन अटैच कर देने चलिए ऐसे ही, ये तनवीन जो है शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर। क्लियर है ना, ये तनवीन यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, तो उसको लिखने लिखते हैं ऐसे, मुदर्रिस
वी, ठीक है, तन्विन तो यहाँ तन्विन तो एंड पे होता है ना, तन्विन हमेशा एंड, हमेशा एंड पे होता है, तो ये ऐसा हो गया, बस ये पोजीशन खाली हो जा रहा है, खाली हो जा रहा है ना, तन्विन होता था यहाँ पे जब फेमिनिन मैस्कुलिन था, ये पोजीशन खाली हो जा रहा है, ये पोजीशन में कौन सा हरकत आएगा, इस पोजीशन में कौन सा हरकत आएगा फिर, पता दम्मा कसरा क्या आएगा, तीन में से कुछ भी आ सकता है, एक ही आ सकता है, ठीक है, तो क्या आना चाहिए, फतहा, क्या आता है यहाँ पे इस पोजीशन में, क्या आएगा, फतहा आएगा, ठीक है, इस पोजीशन में क्या आएगा, फतहा आएगा, तो ये लफ्ज हो गया क्या, मुदर्री सतुन, मुदर्री सतुन, ठीक है, इसको अगर सही से लिखे अगर तो आपका ऐसे ऐसे लिखा है मुदर रिसत, ठीक है, ये तो सही लिखा हुआ मुदर रिसत, जिसमें चेंज क्या हुआ है, गोलता ऐड हुआ है, और ये सीन जो था सीन पर पता लग गया है, गोलता ऐड हुआ है, तो तनवीन ताप गोलता पे आ गया और सीन खाली हो गया, सीन के ऊपर कौन सा हरकत आ गया, पता आ गया, ठीक है, ये तो क्लियर है, मुदर रिसतुन, ठीक है, मुदर रिसतुन क्लियर है, तो इसका ये भी इसमें जाहिर सी बात है, तो इसमें ना जैसे ये इसम था, ये भी इसमें, ये कैसा इसम हो गया, ये इसम मुअन्नस हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, इसम मुअन्नस, ये मुअन्नस नाउन, ये हो गया क्या, मुअन्नस, ठीक है, इसम मुअन्नस, मुअन्नसुन, इस्मुन मुअन्नसुन फेमिनिन नाउन हो गया, और इसका ट्रांसलेशन फिर क्या हो जाएगा, फीमेल टीचर, ठीक है, फीमेल टीचर, उस्तानी, उस्ताद का ऑपोजिट उस्तानी, ठीक है, फीमेल टीचर, समझ रहे हैं, तो ये हम लोग क्या किए, कन्वर्जन, मैस्कुलिन कोई भी अगर मैस्कुलिन नाउन है उसको अगर फेमिनिन बनाना है, मुजक्कर इसम को मुअन्नस बनाना है, ठीक है, चाहे वो किसी ना, वो नाम होगा किसी चीज का नाम होगा या कोई क्वालिटी सिफत होगा, मतलब वस्फ होगा, कैरेक्टरिस्टिक होगा, एट्रीब्यूट होगा, तो वो सिफत को या नाम को या कोई भी शख्स का नाम है या शख्स का कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, खूबी है, सिफत है, खसलत है, ठीक है, वो उसको फेमिनिन बनाने के लिए, मॉडर्नस बनाने के लिए क्या करते हैं, गोलता ऐड करते हैं, ठीक है, अरबी में क्या करते हैं, गोलता ऐड करते हैं, बोलता यानी कि ताम और बूटा ऐड करने से वो जो नाम था क्या हो जाता है, फेमिनिन हो जाता है, ठीक है, बोलता ऐड करने से फेमिनिन हो जाता है, ये जनरल रूल है, इसमें कुछ एक्सेप्शन भी हो सकता है, कुछ ऐसा एसएम भी आएगा जो बोलता नहीं है उसमें फिर भी वो फेमिनिन है, ठीक है ना, ये जनरल रूल यही है, लेकिन इसमें कुछ ऐसा एसएम भी हो सकता है जो बगैर बोलता के ही मुअन्नस माना जाता है, ठीक है ना, या उसका कुछ अलग रूल है, लेकिन ये जनरल कायदा, आम कायदा यही है, ठीक है, आम कायदा क्या है, यही है, इस तरीके से कोई भी वर्ड आप ले सकते हैं, इस तरीके से मुस्लिम, ठीक है, मुस्लिम, मुस्लिमुन, ठीक है, मेल मुस्लिम, मुस्लिम, इसको अगर हम लोग को चेंज करना है तो क्या हो जाएगा, मुस्लिम गोलता ऐड कर देंगे, है ना, गोलता ऐड कर देंगे, तो मुस्लिम गोलता ऐड करेंगे, तनवीन यहाँ चला जाएगा और ये खाली हो जाएगा, तो उसको किससे भरेंगे हम लोग, पथा से, है ना, इसको किससे भरेंगे, पथा से, तो ये क्या हो गया, मुस्लिमतुन, और इसको लिखाना हो, सही से लिखना हो तो कैसे लिखाएगा ये, तो मुस्लिमतुन, ठीक है, मुस्लिमतुन, क्लियर है ना, मुस्लिमतुन गोलता ऐड करने से, तो ये मुदर्रिस, ये किसी का नाम है, और फिर आपका, ठीक है, मुस्लिमतुन, मुदर्रिसतुन, मुदर्रिसतुन से मुदर्रिसतुन माने एक प्रोफेशन का नाम है, मुदर्रिसतुन मुस्लिम सिफत कह सकते हैं, ठीक है, समझ रहे हैं ना, इस तरीके से आप ऐड कर सकते हैं, जैसे अरबी में एक लफ्ज है क्या, कदीम, कदीम मतलब क्या होता है, कदीमुन, कदीम, कदीमुन मतलब क्या होता है, कदीम, कदीम को कैसे ट्रांसलेट करते हैं, कदीमुन पुराना, ठीक है, ओल्ड,
पुराना, उर्दू में क्या कहते हैं पुराना, उर्दू में पुरानी भी कहते हैं ना, पुराना भी होता है और पुरानी भी होती है, तो उसको हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे? कदीम उनको, कदीम उन मुजक्कर है अरबी में, पुराना, इसको मुअन्नस कैसे बनाएंगे हम लोग? फिर मुअन्नस कैसे करेंगे कदीम उनको? क्या होगा वर्ड? बोलता ऐड कर देंगे ना, ठीक है, बोलता ऐड कर देंगे, कदी बोलता ऐड कर देंगे, कदी मतुन हो जाएगा, ठीक है, कदी मतुन, तो पुराना से क्या हो गया पुरानी, ठीक है, कदी कदी मुन कदी मतुन, समझ रहे हैं? कबीर उन बड़ा, सेम ऐसे लिख लीजिए, कबीर कबीर उन मतलब क्या हो जाता है, बड़ा, मुजक्कर है ये, ठीक है, इसको मुअन्नस बनाना है, बड़ा से बड़ी कहना है, क्या हो जाएगा ये कबीर उन, ठीक है ना, समझ रहे हैं? कबीर उन से चेंज होके क्या हो गया ये कबीरतुन, बड़ा बड़ी, ठीक है, बड़ा और बड़ी, पहला चेंज किया वही गोल ऐड हो गया और उसके बाद फतह लग गया, उसके पहले वाले हर्फ में फतह, ठीक है, कदीम उन से कदीमतुन में क्या चेंजेस हुआ, बोलता ऐड हो गया और उसके पहले वाले जो मीम था कोई भी हर्फ हो उसके पहले वाले हर्फ हो उस पर पता लगेगा, कदीमतुन कबीरुन कबीरतुन, ठीक है, ये समझ रहे हैं आप लोग कि सिंपल है, ये कायदा है, कुछ भी अरबी में अगर कुछ मैस्कुलिन वर्ड था उसको फेमिनिन बनाया बनाना है, फेमिनिन बन सकता है, वो फेमिनिन उसका हो सकता है, तो आप ऐसे करेंगे, ठीक है, इस तरीके से आप क्या करेंगे तो उसको ऐसे बना सकते हैं, बोलता ऐड कर दिए, जनरल आम कायदा, कुछ एक्सेप्शन इसमें हो सकता है, समझ में आपको आया ये चीज़? ठीक है, तो उसके बाद में स्क्रीन को थोड़ा क्लियर करते हैं, अच्छा इसी कायदे को अगर आप जहन में रखिएगा तो एक सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं, स्क्रीन इसको हटाना ही पड़ेगा, ठीक कहना है स्टूडेंट, स्टूडेंट के लिए क्या वर्ड अरबी में, स्टूडेंट मैंने शागिर्द के लिए क्या वर्ड अरबी में है, शागिर्द, शागिर्द के लिए क्या वर्ड है बताइए, स्टूडेंट के लिए क्या वर्ड अरबी में है, शागिर्द स्टूडेंट, طالبون, सही, طالبون ये वर्ड है, ठीक है, इसको ब्लैक कर लेते हैं, طالبون, एक और वर्ड हो सकता है तिलमीजुन, ये भी एक वर्ड है, ठीक है, तिलमीजुन, ठीक है, طالبون भी है तिलमीजुन भी हो सकता है, तो طالبون, लेकिन طالبون मुजक्कर है या मुअन्नस है पता है आपको, खुलता नहीं है तो मुजक्कर है, इसका मुअन्नस क्या होगा यहाँ लिखते हैं, तालिबुन मेल स्टूडेंट और मुअन्नस फीमेल स्टूडेंट, के लिए क्या वर्ड होगा कन्वर्ट करेंगे तो तालिबुन से हो जाएगा क्या फीमेल स्टूडेंट, स्टूडेंट के लिए ताली बताइए, ताली बोलता ऐड होगा ना, तालिबतुन, ठीक है, तालिबतुन, तालिबुन और तालिबतुन, तालिबुन हो गया मेल स्टूडेंट और तालिबतुन क्या है फीमेल, समझ रहे हैं, मेल एंड फीमेल कैसे बनता है ये इससे पिछले स्लाइड में बता दिया गया आपको, ठीक है, कैसे ये बन रहा है मेल एंड फीमेल, ठीक है, अच्छा इसके बाद, अच्छा ये सेंटेंस है क्या, अगर सिर्फ कहते हैं तालिबुन, ठीक है, क्या है सेंटेंस हुआ तालिबतुन, क्या है सेंटेंस हुआ, क्या ये सेंटेंस है तालिबुन तालिबतुन, ये सेंटेंस नहीं है, ठीक है ना, ये सेंटेंस नहीं है, दिस इज नॉट अ सेंटेंस, तालिबुन तालिबतुन, तो सेंटेंस के लिए सिंगल वर्ड सेंटेंस तो अक्सर हो नहीं सकता है, ठीक है, ये इस्म है, सिर्फ इस्म है, सेंटेंस नहीं है यहाँ पे, सिंगल वर्ड फेल हो सकता है सेंटेंस, सिंगल वर्ड इस्म सेंटेंस यूजुअली नहीं होता है, ठीक है ना, कुछ हिडन रहता है उसमें, तब हो सकता है, लेकिन ये नॉर्मली ये सेंटेंस नहीं है ये,
ही बोलता हूँ, अली बतून। ठीक है, तो सेंटेंस बनाना है तो एक मिनट तनवीन छोड़ दो। इसका सेंटेंस बनाने के लिए क्या करेंगे, सिंपल है, इसमें हम लोग ऐड कर देंगे क्या, हाजा, हाजा ऐड कर सकते हैं ना। ठीक है, हाजा पॉलीबुल, ठीक है, हाजा ऐसे ऐड लिखते हैं हाजा, लेकिन पढ़ते कैसे हाजा, हाजा, ये तो पता है आपको रूल सब, इसलिए यहाँ पे एक ऐसे अलिफ खड़ा जबर जिसको कहते हैं दे दिया जाता है। ठीक है, तो हाजा पढ़ाया हाजा, ठीक है, हाजा पॉलीबुल, ये स्टूडेंट है, अब ये सेंटेंस हो गया हाजा पॉलीबुल, अब ये सेंटेंस हो गया यहाँ, हाजा पॉलीबुल, दिस इज अ स्टूडेंट, स्टूडेंट मन हाजा, सवाल कर अगर कोई करेगा तो हाजा पॉलीबुल, दिस इज अ स्टूडेंट, ठीक है, मन हाजा, उसका जवाब हाजा पॉलीबुल। अच्छा, अब ये तो इशारा हो रहा था फेम मेल की तरफ में, मेल की तरफ इशारा था मेल की तरफ में, ये मुबतदा खबर है, हाजा मुबतदा है, पॉलीबुल क्या है, खबर है, हाजा मुबतदा है, पॉलीबुल क्या है, खबर है। ठीक है, अब आपको इशारा करना है फीमेल की तरफ में, ये सेकंड जुमला जो हमारा है, अब यहाँ पे क्या इस्तेमाल करेंगे हम लोग, यहाँ पे क्या आएगा, हाजा पॉलीबुन, यहाँ पे क्या इस्तेमाल करेंगे हम लोग, हाजा पॉलीबुन, हाजा का फीमेल लाना पड़ेगा, हाजा का फीमेल लाना पड़ेगा, जो हम लोग अभी तक नहीं किए इस क्लास में, फीमेल आ रहा है, हाजा का फीमेल है क्या, हावी, हाजा का फीमेल क्या है, हावी ही, लिखा जाता है ऐसे हा हजी ही, लेकिन पढ़ा ऐसे नहीं जाएगा, ठीक है, तो कभी कभी ऐसे भी लिख देते हैं हाजी ही, खड़ा साइड में, हावी ही पॉली बतुल, हावी ही पॉली बतुल, दिस इज अ फीमेल स्टूडेंट, ठीक है, हावी ही पॉली बतुल, हावी ही, तो इंग्लिश में ऐसा फर्क नहीं है, इंग्लिश में ऐसा फर्क नहीं है, ना ही उर्दू में है। इंग्लिश में हाजा के लिए क्या यूज करते हैं वर्ड, इशारा के लिए दिस, उर्दू में से ये लिखते हैं ना, ये इंग्लिश में भी हाजी के लिए क्या होगा, दिस, फी, तो फीमेल के लिए इशारा हो, फीमेल की तरफ इशारा हो या मेल की तरफ इशारा हो, यही लिखते हैं दिस, ये है ना, और हिंदी में भी जैसे बंगला वगैरह में भी अक्सर ऐसे ही होता है दिस ये, लेकिन अरबी में आप देख रहे हैं फ़र्क है, फीमेल की तरफ इशारा अगर करना है, फीमेल की तरफ अगर इशारा करना है तो हाज ही आएगा, मेल की तरफ इशारा करना तो क्या होगा, हाजा, मेल की तरफ हाजा, फीमेल की तरफ इशारा करना तो हाज ही, समझ रहे हैं, ठीक है, तो ये नया हम लोग सीखे हैं आज की क्लास में, हाज ही, इशारा अगर फीमेल की तरफ होगा तो हाज ही होगा। किताब मुजक्कर है, किताब क्या है, मुजक्कर है, इसीलिए हाजा किताब उन इस्तेमाल करते हैं, हाजा किताबुन, ठीक है, लेकिन सय्यारतुन गाड़ी, इसके एंड में क्या है, बोलता है, ये मुअन्नस है, सय्यारतुन मुअन्नस है, तो इसके तरफ अगर इशारा करेंगे तो हाजा इस्तेमाल करना गलत हो जाएगा, सय्यारतुन अगर है तो सय्यारतुन हाज ही करना पड़ेगा, सेम जैसे तौलीबुन, तौलीबुन है तो हाजा करना पड़ा, तौलीबतुन है तो हाज ही करना पड़ेगा, तो आपको देखना पड़ेगा खबर जो है कैसा है, खबर मुजक्कर है या मुअन्नस है, ठीक है, खबर मुजक्कर है या मुअन्नस है, उसके हिसाब से आपको लिखना पड़ेगा, खबर मुबतदा खबर कहाँ है यहाँ पे, हाजा मुबतदा तौलीबुन खबर, हाजी ही मुबतदा तौलीबतुन खबर, तो हाँ मुबतदा खबर आपस में जेंडर में क्या करता है, जेंडर में मुआफ़त करता है, अग्रीमेंट होता है मुबतदा खबर का, अगर मुबतदा जेंडर मेल होगा मुजक्कर होगा तो खबर भी मुजक्कर होगा, खबर अगर मुजक्कर मुअन्नस होगा तो मुबतदा ही मुअन्नस होगा, ठीक है, खबर पर खबर मुबतदा का अग्रीमेंट है इस चीज पर, ठीक है, खबर मुबतदा का क्या है, अग्रीमेंट है इस चीज पर, ठीक है, समझ रहे हैं, मुबतदा खबर आपस में अग्री करता है, ये मुजक्कर होगा तो ये भी मुजक्कर, तो यहाँ पे ये मुअन्नस है, खबर यहाँ पे क्या है, मुअन्नस है, तो मुबतदा को भी क्या होना पड़ेगा, मुअन्नस होना पड़ेगा, समझ रहे, ये कायदा फिर से हम बताएंगे, ठीक है, कोई बात नहीं, आप कली आज का क्लास में आप सिर्फ ये देखिए कि हाज ही आया है, इशारा अगर फीमेल की तरफ हो रहा है तो आपको आज के क्लास में क्या पता चला, हाज ही इस्तेमाल हुआ, ठीक है, हाज ही, हाजा तालिबुन, हाज ही तौली बतुन, समझ रहे हैं, ठीक है, अच्छा, उसके बाद एक और सेंटेंस लिखना है यहाँ पे, ठीक है,
कहना है कि स्टूडेंट, ये तो स्टूडेंट है, इसका दोनों का ट्रांसलेशन क्या होगा, दिस इज अ स्टूडेंट, दिस इज अ स्टूडेंट, मैंने एक में मेल होगा, एक में ट्रांसलेशन में फीमेल होगा, एक शागिर्द एक शागिर्दा है, ठीक है, ये शागिर्द है ये शागिर्दा है। अच्छा यहाँ पे अब इस कॉलम में राइट साइड में कहना है कि शागिर्द नया है, मतलब द स्टूडेंट इज न्यू, द स्टूडेंट इज न्यू, शागिर्द नया है, उसके लिए कैसे बनाएंगे सेंटेंस बताइए, शागिर्द नया है, यहाँ पे सेंटेंस बनाना है इस जगह में, शागिर्द नया है, कैसे लिखेंगे हम लोग सेंटेंस बनाएंगे, द स्टूडेंट इज न्यू, कैसे बनेगा जुमला, द स्टूडेंट इज न्यू, द स्टूडेंट इज न्यू, ठीक है, द स्टूडेंट इज न्यू, ठीक है, इशारा तो आ रहा नहीं है, इशारा खत्म हो गया, इशारा सिर्फ पहले वाले जुमले में, इशारा जो है ये यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस था इशारा वाला, अब सेकंड सेंटेंस में इशारा नहीं आ रहा है, सेकंड सेंटेंस में इशारा नहीं आ रहा, तो इशारा नहीं आएगा, सिर्फ कहना है शागिर्द नया है, ठीक, तो आपको पता है ना मुक्तदा माने मुक्तदा क्या आएगा, शागिर्द, ये तालिबुन खबर था इस जुमले में, अब ये खबर के पोजीशन से बदल के यहाँ मुक्तदा बनेगा, अभी तालिबुन खबर था ना, अब ये खबर जो मुक्तदा बनने वाला है सेकेंड सेंटेंस में, तो तालिबुन तालिबुन ही रहेगा या कुछ ऐड करना होगा मुक्तदा जब ये बनेगा, तो तालिबुन मुक्तदा बनेगा, ठीक है, इस सेंटेंस में तो लिखते हैं तालिबुन, अलिफ लाम लगेगा, बहुत अच्छा, ठीक है, जवाब आ रहा है, अलिफ लाम लगेगा, हाँ ये आम कायदा है, अलिफ लाम लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है, मुक्तदा जो है वो नॉर्मली मारिफा होता है, हो सकता है ना किरा भी बगैर अलिफ लाम भी उसका कुछ कंडीशन है, लेकिन नॉर्मली मुक्तदा मारिफा होगा, तो तालिबुन जब मुक्तदा बनेगा तो मारिफा होना पड़ेगा, अलिफ लाम भूल गया आप लोग कायदा, ठीक है, अब तालिबु, अब तालिबु देख रहे हैं, अब तालिबु, हाँ अब द स्टूडेंट, शागिर्द अब आ रहा है, ठीक, अब खबर बताइए क्या होगा, शागिर्द नया है, द स्टूडेंट इज न्यू, अब तालिबु जदीदुन, खबर नकिरा होता तो खबर में अलिफ लाम नहीं लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है, तो जदीद नया के लिए क्या वर्ड अरबी में है, जदीद, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे हम लोग, जदीदुन, अब तालिबु, ये हो गया परफेक्ट एक सेंटेंस कंप्लीट, ठीक है, अब तालिबु जदीदुन, द स्टूडेंट इज न्यू, शागिर्द नया है, ठीक है ना, मुब्तदा खबर, मुब्तदा खबर, क्लियर है, एकदम क्लियर कायदा है, यहाँ पे ये मुब्तदा है, ये क्या, ये खबर है, मुब्तदा क्या होता है, मारिफा होता है, मुब्तदा क्या होता है, मरफू होता है, मुब्तदा क्या होता है, मारिफा होता है, मारिफा है ना, अलिफ लाम लगा हुआ, अलिफ लाम लगा हुआ, और मुब्तदा क्या होता है, मरफू होता है, मरफू है ना, दम्मा पे खत्म हो रहा है, खबर क्या होता है, मारिफा नहीं होता अक्सर, अलिफ लाम नहीं होता, अलिफ लाम यहाँ पे है नहीं है, और खबर क्या होता है, नखिरा होता है, यानी कि अलिफ लाम नहीं होगा, मारिफा नहीं होगा, नकीरा होगा खबर, ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि नकीरा का पहचान क्या, तनवीन है, तनवीन है ना, और खबर मरफू होता है, मरफू होता है तो दम्मा दिख ही रहे हैं यहाँ पे, दम्मा एक दम्मा दो दम्मा, दम्मा तो है ना, ठीक है, तो मरफू होता है, खबर मरफू है, नकीरा है, और मुक्तदा क्या, मारिफा है, और मरफू, तो मेरे समझ में आपको आ गया, ठीक है, ये कैसे सेंटेंस बनाते ये आपको जहन में रखना पड़ेगा, मुक्तदा खबर क्या होना चाहिए, मुक्तदा हमेशा क्या होगा, या नॉर्मली क्या होगा, मारिफा और हमेशा मरफू होता है, खबर क्या होता है, नॉर्मली नकिरा और हमेशा मरफू होता है, अब तालिबु जदीदुन, अच्छा यही सेंटेंस आपको यहाँ लिखना है, कन्वर्ट कीजिए, ठीक है, अब यहाँ कन्वर्ट करना है इसी सेंटेंस को, यहाँ पे जैसे इसको कन्वर्ट किया था हाजा तालिबुन, हाजी तालिबुन में बन गया था, अब यहाँ पे अब तालिबु जदीदुन को चेंज करना है, फेमिनिन में शागिर्दा नहीं है, ये क्या था, शागिर्द नया है, यहाँ पे भी लिखना है शागिर्दा नहीं है, ठीक है, शागिर्दा नहीं है, द फीमेल स्टूडेंट इज न्यू, ठीक है, तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे हम लोग, वही होगा, तालिब यहाँ आएगा, ये मुब्तदा बनेगा ना, अलिफ लाम आ जाएगा, अलिफ लाम आएगा ना, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अब तालिबतु, अब
तालिबतु, ठीक है, अब तालिबतु, अब तालिबतु क्या है? जदीदुन, सही है, क्या आएगा? अत्तालिबतु, ठीक है, जदीदुन आएगा या जदीदतुन आएगा, क्या आना चाहिए? हाँ, जदीदतुन, ठीक है, बहुत अच्छा। अब तालिबु जदीदतुन, हाँ ठीक है, जदीदतुन बोलता, देख रहे हैं यहाँ पे बोलता था क्या नहीं था, तो ये फेमिनिन वर्ड है, ये क्या है? फेमिनिन, यहाँ पे मुक्तदा जो है ना ये फेमिनिन है, बोलता दिख रहा है, तो खबर भी फेमिनिन होगा। मुक्तदा अगर मुअन्नस है तो खबर भी क्या होगा? मुअन्नस। मुक्तदा खबर आपस में मैच करता है जेंडर में, ठीक है ना। यहाँ पे बोलता नहीं था मुक्तदा में, तो खबर में भी बोलता नहीं है। मुक्तदा क्या होता है? मुजक्कर, मुजक्कर, मुक्तदा मुजक्कर तो खबर भी मुजक्कर, मुक्तदा मुअन्नस तो खबर भी मुअन्नस, समझ रहे हैं। तो अब तालिबतु जदीदतुन, अब तालिबतु जदीदतुन, समझ में आ रहा है ना, तो जदीदतुन लाना पड़ा हम लोग को यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे इस राइट हैंड साइड में यहाँ पे बोलता नहीं था, क्यों? क्योंकि ये मुजक्कर का खबर बन के आ रहा है, तालिब का खबर बन के आ रहा है, ठीक है। अब तालिबतु जदीदतुन, अब तालिबतु जदीदतुन, ठीक है, जदीदतुन, ठीक है। एक बहन कह रही है तुन क्यों होगा, क्यों बताइए, तुन क्यों होगा, ठीक है, तो क्या होना चाहिए फिर? अगर तुन नहीं होगा तो क्या होना चाहिए? अगर तुन नहीं होगा तो क्या होना चाहिए? जदीदतुन, ठीक है, जदीदतुन क्या ऐसे होना चाहिए था क्या? जदीदतु होना चाहिए था, ठीक है, अगर तुन नहीं है तो क्या होना चाहिए? जदीदतु, ठीक है, ये होना चाहिए था क्या? ठीक है, ये नहीं होगा, जदीदतुन होगा, ठीक है, जदीदतुन होगा, जदीदतु नहीं हो सकता, अलिफ लाम माने से जदीदतु होता, ठीक है। तो अगर आप ये कायदा में, एक और कायदा है ना फेमिनिन नाम्स का, वो प्रॉपर नाउन है, किसी का औरत का नाम है, ठीक है, किसी औरत का नाम अगर आयशा है, ठीक है, आयशा, तो ये कायदा लागू होता है, ये आयशतु होता है, ठीक है, आयशतु, खदीजतु, ठीक है, या मरियमु या ज़ैनबु, ठीक है, ये कायदा इसके लिए लागू होता है, मरियमु प्रॉपर नाउन के लिए कायदा है, ये जो कायदा नहीं प्रॉपर नाउन के लिए, कॉमन नाउन के लिए कायदा नहीं है, ठीक है। तो ये समझ में आपको आ गया, तो अरबिक का जो प्रॉपर नाउन, इसमें अलम, इस्मुन अलमुन, प्रॉपर नाउन जो होता है ना, फीमेल प्रॉपर नाउन्स, फीमेल, वो जो है तनवीन नहीं लेता है, ज़ैनबु, आयशतु, खदीजतु, रुकैयतु, रुकैयतु, ठीक है, वो तनवीन नहीं लेता, लेकिन ये जदीदतुन, तालिबतु, ये सब कॉमन नाउन है, ये सब तनवीन लेगा, ये तनवीन लेगा, अलिफ लाम आएगा तब नहीं लेगा, नॉर्मली तनवीन लेगा, ठीक है। उम्मीद आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ठीक है, ये वाला, ये मुकदा खबर मैच करता है आपस में जेंडर जींस में, ठीक है। अच्छा, एक और सेंटेंस बनाते हैं, कहना है कि ये राइट हैंड साइड में आइए दाहिने तरफ वाले सेंटेंस में, इधर ये शागिर्द है, शागिर्द नया है, अब कहना है कि ये शागिर्द है, शागिर्द नया है, अब क्या कहना है? वो लंबा है, ही इज टॉल, वो लंबा है, ही इज टॉल कहना है, ही इज टॉल। तो ही के लिए क्या वर्ड है? दमीर, तालिब की जगह में दमीर इस्तेमाल करेंगे, प्रोनाउन, प्रोनाउन, ही के लिए क्या वर्ड अरबी में है? ही के लिए हुआ है, बहुत अच्छा, हुआ, तो हुआ लाएंगे, और कहना है वो लंबा, लंबा के लिए क्या वर्ड अरबी में, वो देखना पड़ेगा, हुआ, लंबा के लिए क्या वर्ड है? हुआ, तवील, ठीक है, सही, तवील, तवील, टॉल, हुआ तवीलुन, हुआ तवीलुन,
वो तवील, वो लंबा है, ही इज टॉल, ये हो गया। मुबतदा खबर कहाँ है, हुआ तवील में, ये मुबतदा है और तवील क्या खबर है, हुआ में मुबतदा खबर ये है, ठीक है। हुआ तवील, हुआ तवील, अच्छा ये तो इजी है, ही इज टॉल, अब यहाँ पे इसको कन्वर्ट करना है उसी का, शी इज टॉल कहना है, ही इज टॉल तो हो गया, क्या यहाँ पे क्या कहना है, शी इज टॉल, कौन बताएगा। तालिबतू ऊपर में क्या सेंटेंस था, अब तालिबतू जदीदतुन, शागिर्द नहीं है, द फीमेल स्टूडेंट इज न्यू, शी इज टॉल, ये कहना है, तो यहाँ पे क्या जुमला आना चाहिए फिर, हिया तवीलतुन, बहुत अच्छा ठीक है, हिया तवीलतुन, तो शी के लिए क्या वर्ड अरबी में है, हिया, वो, अब तवील नहीं आएगा यहाँ पे, क्या आएगा, तवीलतुन, क्योंकि तवीलतुन जो यहाँ पे है ना, ये इसका किसका खबर है, ये यहाँ पे तवीलतुन, ये फीमेल लाना पड़ा, चेंज करना पड़ा तवील से तवीलतुन, क्योंकि ये खबर किसका है, इसका ये मुब्तदा, ये इसका खबर बन के आ रहा है, तो मुब्तदा खबर आपस में मैच कर, जैसे यहाँ पे मैच किया ना, वैसे यहाँ पे भी मैच किया, उर्दू में मैच नहीं करता है क्या, वो लंबी है ना, वो लंबी है, तो लंबी तो लाना पड़ेगा, तो लंबा से लंबी कन्वर्ट करना पड़ा उर्दू में, है कि नहीं, वैसे अरबी में करना पड़ा, वो लंबा है, तो लंबा में बोलता नहीं था, बोलता था यहाँ पे लंबा में नहीं, लंबी में तो बोलता लाना पड़ेगा, लंबा लंबी वही चीज़ है, यहाँ पे इंग्लिश में फर्क नहीं पड़ता, इंग्लिश में टॉल दोनों के लिए आएगा, है ना, इंग्लिश में टॉल दोनों के लिए आ रहा है, क्या है ना, इंग्लिश में टॉल दोनों के लिए आ रहा है, हिया कभी ही स्टॉल शी स्टॉल, अरबी में फ़र्क है, उर्दू में भी फ़र्क हो गया, ठीक, हिया तवील अतुल, हुआ तवील और हिया तवील, समझ में आप आ रहे हैं, अगर कहना है वो खूबसूरत है तो क्या होगा, हुआ जमील उन, और वो खूबसूरत है लड़की के लिए क्या होगा, हिया जमीलतुन, तो यहाँ उर्दू में भी कॉमन हो गया, खूबसूरत खूबसूरत, ठीक है, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, इंग्लिश उर्दू में फ़र्क नहीं रहा फिर, लेकिन अरबी में यहाँ जमील और जमीलतुन फ़र्क हो गया, जमील उन, हुआ जमील उन और हिया जमीलतुन, ये हो गया, ठीक है, ये समझ में आया आपको फ़र्क, ठीक है, ये हम लोग एक चार्ट देख लिए, तो मोहन तो हम लोग को समझ में आया कि ये जो चेंज करते हैं ना, गोलता लाना है किसी वर्ड के एंड में, कि गोलता नहीं लाना, डिपेंड करता है खबर पर, उसका खबर डिपेंड करता है मुब्तदा पर, मुब्तदा क्या है, मुब्तदा मुजक्कर है तो गोलता लाएंगे, मुब्तदा मुअन्नस है तो गोलता लाना पड़ेगा, लेकिन मुब्तदा अगर मुजक्कर है तो गोलता खबर में नहीं आएगा, मुब्तदा मुजक्कर है तो बोलता खबर में नहीं आएगा, वैसे ही रहेगा, समझ में आपको आ रहा है, ये चेंजेस करना पड़ता है सेंटेंस जब बनाते हैं, कुरान में ही आपको मिलेगा कि अगर खबर मुब्तदा मुजक्कर है तो कुरान में खबर क्या आएगा, मुजक्कर ही आएगा, ठीक है, और अगर मुब्तदा मुअन्नस है तो कुरान में खबर क्या आएगा, मुअन्नस खबर आएगा, ठीक है, मुअन्नस आएगा, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, और उसके बाद ये क्लास आज का हमारा ख़त्म हुआ, और ये एक चार्ट आपके लिए बना दिए हैं जो आपको घर में देख सकते हैं, ठीक है, जो हम लोग सेंटेंसेस जो हम लोग आज करने की कोशिश किए हैं वो एक चार्ट के फॉर्म में ये बना दिया गया, मुस्लिम वर्ड था उसको कैसे कन्वर्ट करना है यहाँ पे बता दिया, गोलता ऐड करने, गोलता ऐड करने के बाद में ये जो मीम था उस पर क्या हो जा रहा है, फतह आ जा रहा है, ठीक, और फाइनल वर्ड क्या हो जा रहा है, मुस्लिम अतुल गोलता के साथ, से मुदर्रिस में फाइनल वर्ड क्या आ जा रहा है, मुदर्री, तो ये सेंटेंसेस हम लोग आज के क्लास में किए हैं ना, ये मुजक्कर वाला हो गया ऐसा, ठीक है, और ये क्या हो गया है, ये मुअन्नस वाला हिस्सा हो गया, ठीक है, ये मुअन्नस हो गया है ना, ये मुजक्कर और ये मुअन्नस सेंटेंसेस, मुब्तदा खबर यहाँ पे मुअन्नस है, यहाँ मुब्तदा खबर क्या है, मुजक्कर है, ठीक है, तो ये आप रेफर कर सकते हैं घर में इंशाल्लाह, तो ये करना था हम लोग को, और कुरान में, कुरान हम लोग क्योंकि जब पढ़ेंगे तो ये सब चीज़ हम लोग कुरान में देखेंगे, ये सब चीज़ें ये विटनेस करेंगे कि ये कुरान में ऐसे इस्तेमाल होता है, जहाँ हाजा आएगा तो उसका मतलब खबर क्या है, मुअन्नस है, तब जाकर के हाजा आया, ठीक है, खबर मुजक्कर है तब जाके हाजा आया, खबर अगर मुअन्नस होगा तो फिर हाजा नहीं आएगा, कुछ और आएगा, ठीक है, इस तरीके से कुछ सवाल आप लोग हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं, दो तीन मिनट और क्लास है, सवाल अगर हैं आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है, पूछ सकते हैं, जैसे कुरान में है ना, नाकतुल्ला नाकतुन, ऊटनी, ऊटनी के लिए क्या वर्ड आता है कुरान में, ये ऊटनी है, है ना, अल्लाह की ऊटनी वर्ड है क्या, नाकतुल्ला, नाका मतलब ऊटनी,
अगर इसको मुक्तदा बनाते हैं हम लोग, मुक्तदा अगर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, अल्लाह ना नाकतुल्लाह, ये अल्लाह की उठनी, ठीक है, शर्फ के तौर पर, अल्लाह की उठनी से मुराद शर्फ है, नोबिलिटी की, इज्जत के तौर पर, ठीक है, अल्लाह की उठनी कहने का मतलब है ये अल्लाह ने इसको खास शर्फ दिया था, ठीक है, नाकतुल्लाह ही। तो कुरान में जब आया है कि ये अल्लाह की उठनी है तो हाजा नहीं आया, बल्कि क्या आया कुरान में, हाजी आया, क्योंकि देख रहे हैं हाजी ही नाकतुल्लाह है, हाजा नहीं आया, ठीक है। ये सब चेंजेस ऑब्जर्व करेंगे हम लोग कि नाकतुन ये मुअन्नस है उठनी, तो इसके लिहाजा हाजी ही आना था, हाजा नहीं आ सकता, समझ रहे हैं। तो इस तरह का बहुत सारा एग्जांपल आप कुरान में देखेंगे, ठीक है, उसके लिए दमीर प्रोनाउन इस्तेमाल हो रहा है, हाजा फेमिनिन है तो हिया इस्तेमाल हो रहा है, ये सब चीज़ इंशाल्लाह हम लोग देखेंगे, ठीक है। शम्सुन का मतलब क्या है, शम्स मतलब पता है क्या होता है आपको, शम्सन सूरज, और कमर, कमर क्या है, चांद, ठीक है। तो शम्स मुजक्कर है या मुअन्नस है, कमर मुजक्कर है या मुअन्नस है, तो कुरान जब पढ़ेंगे ना समझ में आ जाएगा कि शम्स के लिए क्या जेंडर इस्तेमाल हुआ है और कमर उनके लिए क्या जेंडर इस्तेमाल हुआ है। इसकी टॉफ टॉपिक है ये, मतलब कि अभी डिस्कस नहीं करना है ये शम्स वगैरह, ठीक है ना, तो आगे जाके देखेंगे हम लोग। शम्स जो है ना मुअन्नस है, शम्स क्या है, ये मुअन्नस है। सूरज अरबी में मुअन्नस है, उसके लिए शी वगैरह का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा कुरान में, ये मुअन्नस है सूरज लफ्ज़, माने कि सन, ठीक है, मुअन्नस है। लेकिन आपका कमर जो है ना ये मुजक्कर है, कुरान में ऐसा इशारा या कुछ दमीर मुजक्कर के लिए आएगा इसके लिए, ठीक है, कुरान में देखेंगे। तो ये हम लोग क्लास था हमारा आज का, इसी में हम लोग ख़त्म करते हैं, और अगर कोई सवाल होगा आपका इंशाल्लाह तो ग्रुप में कर लीजिएगा, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग ईद के बाद इंशाल्लाह मिलेंगे, तब तक अगर पॉसिबल होता है तो क्योंकि हम सफ़र में रहेंगे इसलिए हो सकता है क्लास आगे नहीं करा सकें, तो इंशाल्लाह एक ही बार ईद के बाद क्लास होगा। और अगर आप कुछ अगर हमको ऐसा लगे कि कुछ वीडियो डाल के अपलोड करना चाहिए जो आप लोग को देखना चाहिए, तो हम डाल के अपलोड कर देंगे, वीडियो अपलोड कर देंगे, वो आप लोग के घर पर देख लीजिएगा, ठीक है। कोई सवाल होता है तो इंशाल्लाह ग्रुप में ज़रूर कीजिएगा, इंशाल्लाह ईद के बाद हम लोग मिलेंगे। سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك।